मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लगातार अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। इसी कार्य से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात मिलेगा। इसी कड़ी में मंत्री राजपूत ने अपनी सुरखी विधानसभा के राहतगढ़ में 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का चला विकास रथ, 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। सुरखी विधानसभा के राहतगढ़ वासियों को मिलेगी सौगात, अस्पताल और सड़क समेत विकास कार्यों को मिलेगी सौगात। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नगर परिषद राहतगढ़ में सिविल अस्पताल भवन विदिशा तिराहा से बस स्टैंड तक सड़क सहित 20 करोड़ रुपए कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें 10 करोड़ का सिविल अस्पताल भवन, 7 करोड़ रुपए की लागत की सड़क एवं राहतगढ़ के अन्य विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सबका विकास करना और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राहतगढ़ वासियों को बेहद स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ है उनका 10 दिन के भीतर कार्य शुरू होना चाहिए। वहीं इस दौरान मंत्री राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ को व्यवस्थित शहर बनाने के साथ ही सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। भूमि का शिलान्यास हुआ है, 10 करोड़ रुपया की लागत से सुंदर अस्पताल बनेगा। बहुत दिन से अस्पताल की मांग थी, 10 करोड़ रुपया का अस्पताल बना है बनेगा और अस्पताल हमने अपग्रेड करा दिया है। ये स्वास्थ्य केंद्र की जगह सिविल अस्पताल हो गया है तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। राहतगढ़ से विदिशा तिगंडा तक बहुत रोड की मांग थी, 6 करोड़ रुपया की लागत से सुंदर टू वे लाइन बनेगा। यह आने का जाने का रोड बनेगा, बीच में डिवाइडर होंगे, लाइटें होंगी, बहुत ही सुंदर तरीके से ये काम होगा। अन्य कामों के लिए एक सुंदर गेट बनेगा। स्टेडियम के लिए भी हम एक्स्ट्रा पैसा लाए हैं, 60 लाख रुपया। वो आउटडोर स्टेडियम बन रहा था, इंडोर स्टेडियम बनेगा, आउटडोर इंडोर दोनों रहेंगे। सभी चीज़ों के लिए 20 करोड़ रुपये किए हैं। राहतगढ़ सुरखी विधानसभा का बड़ा कस्बा है, पूरे कस्बे में एक भी काम ऐसा नहीं है जो ना चल रहा हो। सुरखी विधानसभा में पूरे अगर गांव-गांव में लें करीब 6000 करोड़ काम चल रहे हैं। इस अवसर पर नीरज शर्मा, विनोद कपूर, विनोद ओसवाल, राजकुमार धनोरा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, संतोष जैन, पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री हरिशंकर जायसवाल, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, राहतगढ़।